सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी में बच्चों से मुलाकात की और बच्चों ने उन्हें ग्रीटिंग कार्ड्स भी दिए हैं, उन्हें बधाई दी है उनके जन्मदिन के अवसर पर। काफी देर से उनकी ये मुलाकात चल रही थी और जब ये मुलाकात चल रही थी तो अकेले पीएम मोदी ने बातचीत की है बच्चों से। वहां पर कोई और अधिकारी, यहां तक कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर मौजूद नहीं थे और ना ही बच्चों के परिजनों को कहा गया था कि वो भी बाहर ही रहें ताकि एक अलग माहौल मिल सके बच्चों को और पीएम मोदी उनसे बात कर सकें। इस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। ये वाला बोर्ड अच्छा लगता है कि पीछे वाला जो बोर्ड है वो अच्छा लगता है? तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रखे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में मौजूद हैं और एक प्राथमिक विद्यालय में जब वो पहुंचे इस वक्त उनका जब स्वागत किया गया तो क्या नजारा देखने को मिल रहा था। सभी बच्चों ने मिलकर 20 बच्चे करीब ये बताए जा रहे थे जिन्होंने मिलकर पीएम मोदी का स्वागत किया। और उसके अलावा आपको ये भी बताएं कि उसके बाद वो क्लास में पहुंचे जहां पर कुछ बच्चों को चयनित करके बिठाया गया था और ये अपेक्षित बच्चे ये बताए जा रहे हैं जिन्होंने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, उनको उनके जन्मदिन पर बधाई दी और ग्रीटिंग कार्ड्स भी दिए। पीछे पैसा बताया बचपन के बारे में, क्या बताऊं? जो आप अपने बचपन में शैतानियां करते थे। बहुत शैतानियां करते थे और कुछ करते ही नहीं थे। आप तो करते हैं शैतान? बहुत करते हैं। लेकिन पढ़ते नहीं होंगे। लेकिन ये तो पीछे तो बताया तेज हवा के कारण दादाजी का छाता उड़ गया है। पीछे तो ऐसा बताया बचपन के बारे में, क्या बताऊं? जो आप अपने बचपन में शैतानियां बहुत शैतानियां करते थे और कुछ करते ही नहीं थे। आप तो करते हैं शैतान? बहुत करते हैं। लेकिन पढ़ते नहीं होंगे। लेकिन ये तो पीछे तो बताया तेज हवा के कारण दादाजी का छाता उड़ गया है। पीछे तो ऐसा बताया बचपन के बारे में, क्या बताऊं? जो आप अपने बचपन में शैतानियां करते थे। बहुत शैतानियां करते थे और कुछ करते ही नहीं थे। आप तो करते हैं शैतान? बहुत करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों से मुलाकात की, बातचीत की है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। हरदोई के शहर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में दिव्यांग युवती के साथ बंधक बनाकर दुराचार करने का मामला सामने आया है और इस घटना से जहां पूरे